करेला की खेती क्या है, पहले से करते आ रहे थे हम लोग, पर जमीन में करते थे, ऐसे ऊपर वाला नहीं करते थे, तो नुकसान बहुत होता था। ठीक है जी, तो एकड़ में, एकड़ में आप 120, 100 से 120 क्विंटल की पैदावार ले सकते हैं। बरसात में करेले की खेती करना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि इस समय जो है रोग काफी ज्यादा आते हैं, लेकिन उसके अपेक्षा अगर हम देखें तो इस समय जो है रेट काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। अभी हम जिस प्लॉट में खड़े हुए यहाँ पर जो है करेला की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें जो है रोग भी जो है अभी अच्छी तरीके से मेंटेन में है। तो यहाँ पर एक युवा किसान काफी बेहतरीन ढंग से करेला की खेती कर रहे हैं, तो आज हम इनसे पूरा ए टू जेड जानकारी लेने वाले हैं कि अगर आप बरसात में करेला की खेती करते हैं तो किस तरीके से आपको करेला की खेती करना चाहिए, किस तरीके से देखभाल करना चाहिए, और जिससे आप एक बेहतर प्रॉफिट बरसात में करेला की खेती से कर आप कमा सकें। तो आज हम ए टू जेड जानकारी उनसे लेने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई। धन्यवाद भैया, आप मन के माध्यम से मैं भी कोई किसान की हेल्प कर सकूं बता के अपन अनुभव करेला खेती के बारे में। जी, तो आप सबसे पहले एक अपना परिचय दे दीजिए जितने भी किसान साथी हैं उनको। किसान साथियों, मेरा नाम सागर कुमार साहू है, मैं ग्राम रेमड़वा के रहने वाला हूँ, जिला राजनांदगांव गंडई क्षेत्र। जी जी, तो आप सबसे पहले हमको ये बताएं कि आपको जो बरसात में आप करेला की खेती कर रहे हैं, तो आपको यह पता है कि बरसात में काफी ज्यादा जो है चुनौती भरा रहता है करेला की खेती, तो आप किस तरीके से यह चुनाव किए कि करेला की खेती करना है? करेला की खेती क्या है, पहले से करते आ रहे थे हम लोग, पर जमीन में करते थे, ऐसे ऊपर वाला नहीं करते थे, तो नुकसान बहुत होता था। तो हम लोग क्या सोचे कि अब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ऐसे देखा जाए तो बाड़ी वगैरह ऐसे जी जी, तो उसी कारण से हम लोग सोचे कि खेती किसानी धान वान में थोड़े से अब दिक्कत आने लगा है फसल में जी जी, तो कुछ न कुछ करना चाहिए डेली आवक के लिए, ऐसे करके तो सोचे कि करेला की खेती शुरुआत करते हैं जी जी। तो यही छोटे से बाड़ी 60 डिसमिल में किए हैं अभी शुरुआत, और शुरुआती अवस्था है तो थोड़े से दिक्कत जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे अनुभव होगा तो बिल्कुल फसल जो है अच्छा होगा और मुनाफा भी अच्छा प्राप्त करेंगे। भूमि की जो तैयारी है वह आप किस तरीके से किए हैं, और क्या तैयारी के समय आपने कुछ बेसल भी दिया है? जी, मैंने बेसल डोज दिया है। फिलहाल तो मेरा जो जमीन है वो तो धान के लायक था, तो मैंने लगभग मिट्टी डलवाई उसमें 40-50 ट्रिप, उसके बाद में ढलान वगैरह बनाया और पानी मत रुके ऐसे करके जी जी, उसके बाद बेड तैयार किया, 5 फीट का है लगभग बेड, बेड 5 फीट का, 5 फीट का। और बेसल डोज में अपना DAP सिंगल सुपर फॉस्फेट जी जी, और पोटास डाला था मैं जी, बस 3 चीज बस डाला था। मात्रा कितनी रखे थे आप? मात्रा एकड़ के सामने 50 किलो DAP का है, 100 किलो राखर जो बोलते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट जी जी, और 25 किलो पोटास का जी। आपने बेसल में डाला है? हाँ, बेसल में डाला। जो वैरायटी है वह कौन से लिए हैं? ये नॉन ह्यूज का है, US 13-15 वैरायटी, ऐसे कुछ नाम है उतना तो याद नहीं है, पर वही है जी। तो आपने नर्सरी से ऑर्डर किया था? नहीं नहीं नहीं, हम लोग बीच ही डाले थे, क्योंकि अभी जो है 4-5 दिन में आ जाता है बरसात में उमस की वजह से जी जी, तो इसलिए हम लोग ऐसे बिजाई किए हम लोग जी। और पौधे से पौधे की दूरी कितना है? इसमें 1.5 फीट रखा हूँ जी जी, पौधे से पौधे की दूरी। और जो बिजाई करने के बाद कितना दिन बाद जो है इसका फर्स्ट हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है? बिजाई के बाद मैं 35-40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग किया था इसका, उसके बाद अभी चल रहा है, अभी हार्वेस्टिंग चल रहा है, चल आज ही मैंने किया है हार्वेस्टिंग, अभी छोटा छोटा बच्चा है, अभी छोटा छोटा ही है। तो अभी तक यह फसल को कितना दिन हो चुका है? ये लगभग 55-57 दिन के आसपास हो रहा है इसको जी। और कितनी बार आप हार्वेस्टिंग कर चुके हैं इसमें? मैं 5 आज जो किया वो 6वां बार है ये जी जी। और अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो आपको जो थोक मंडी रेट है वह कितना मिल रहा है? मेरे को तो अभी 26-27-28-30 यही मिल रहा है, 35 तक का जी जी। हाँ जी, आपने जब रोपाई किया था तो उसके बाद आपने कौन कौन से खाद डाले थे और कितनी मात्रा में डाले थे, कितने दिन बाद डाले थे? उसके बाद तो मैं खाद नहीं है, तो अपने वो ड्रिप बच्चर है 0-52-34 जी जी, और बीच में DP का घोल डाला था मैंने, DP और
19 का जी जी बस उसी का है। उसके बाद ड्रिप में तो चलते रहते हैं अपना जीरो दिन में आप चलाते मैं रहते? 2 से 3 दिन के अंतराल में, जब आज ट्राई हुआ ना जी, तो आज शाम को चलाऊंगा जीरो बाउंस। हाँ, मतलब 2 दिन के दो से तीन दिन में होता है तुड़ाई जी, तो तुड़ाई करता हूँ, उसके बाद में 0-34 है और जो 13-45 है उसी को तुरंत दे देता हूँ जी। तो अभी हम जो यह फसल को देख पा रहे हैं या फिर कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है? अभी ये जो है डाउनली मिल्डू, ज्यादा बारिश होने की वजह से अभी क्या हमारे साइड डेली आधा घंटा दमदार बारिश हो रहा था, तो दवाई भी छीरने में बहुत दिक्कत जा रही थी, तो इसलिए से थोड़े से बढ़ते पन में है, इसको रोक लेंगे हम। और करेला की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वह सिकुड़न की आती है, सिकुड़न इस तरीके से कुछ, तो इस तरीके का आपके प्लाट में कुछ समस्या आई है कि? बिल्कुल है, इसमें है, शुरुआती अवस्था में ही देखने को मिल गया था हमें जी, पर ये क्या है, इसको तो रोक लिया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, जो है वो है आगे नहीं बढ़ रहा है, जो लग गया है वो लग गया है, लग गया है। तो उसकी रोकथाम के लिए आप कौन सा स्प्रे लिए हैं? इसकी रोकथाम के लिए मैं शुरुआती अवस्था पे इमिडाक्लोप्राइड और थाइमेक्स 25% यही स्टार्टिंग में चलाया था जी। उसके बाद बढ़ते देखा तो मैंने एक टीका आता है जी, उसका नाम टीका होता है, उसी को 15 दिन के 15 दिन अपना चलाते हैं, उसको देते रहते हैं जी। और इसमें जो है कौन कौन सी समस्या आती है, कौन कौन से रोग आते हैं? और इसमें तो बोलते हैं कि रोग बहुत आते हैं, कि पहली बार लगाए हो कि नहीं लगाना चाहिए था आप लोगों को करेला, तो मैंने सोचा नहीं, जो नहीं लगा सकते उसी को करके देखेंगे हम लोग कि क्या इसमें उत्पादन लेते हैं जी जी। तो इसी का है मैंने, यही थ्रिप्स वगैरह का सिकुड़न का मेन समस्या यही। और ये तो बस पानी को ऐसे हुए तो हमारी ही गलती है, उसमें बढ़ गया है ये, उसके बाद तो ऐसे कुछ दिक्कतें नहीं देखने को मिलती जी। और कीट वीट का अटैक कितना होता है? बरसात में भी तो कम होता है कीट का अटैक जी जी। हाँ जी, यहाँ तो कीड़ा के जो कीट के वो प्रभावित सिर्फ यही थ्रिप्स बस दिख रहे हैं ऐसे कुछ। तो अगर हम एक अनुमानित कहें कि प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है खर्चा को कितना आया होगा, अगर A to Z हम कहें जीप मल्चिंग और यह जो पंडाल है उसको? अब मैं खर्चा, अब मेरे जो पंडाल है बांस है वो तो मेरे घर की है, सामने बांस था उसे कटा कर, तो उसको खर्चा को नहीं जोड़ूंगा मैं तो जी। और ये मल्चिंग तो लगभग 8 से 10 हजार रूपए का लगा है मेरे को, 4 बंडल मल्चिंग लगा है जी। और तार यही कोई तार 1800-2000 के आसपास के, ये वाला तार कौन सा इसको पीट वायर बोलते हैं, पेट वायर। और जो है अपना ड्रिप सिस्टम जो है वो तो सब्सिडी से लिया था मैंने जी जी। तो मेरे को लगभग सब्सिडी में 32 हजार पड़ा, पर थोड़ा से एक फिल्टर और लगाना पड़ा तो 40 हजार ऐसे कुछ पड़ गया मेरे को सैंड फिल्टर की वजह से जी। तो टोटल इन सब में लागत कितना है? अगर लागत, अब मेरे शुरुआती खेती है तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा तो लागत तो बहुत आया, पर जब नेक्स्ट टाइम करूंगा तो उसमें लागत देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अभी जब पहली बार कर रहे हैं तो काफी चीजें आपको खरीदना पड़ता है और बहुत चीजें जो है समझ में आ जाती है कि कहां पर हम बचा सकते हैं और कहां पर नहीं बचा सकते, उसके हिसाब से आप कार्य कर सकते हैं। और अगर हम एक प्रॉफिट देखें तो अनुमानित कितना प्रॉफिट आप देखते हैं इसमें? तो मैं यही देखूंगा, प्रॉफिट से पहले तो उत्पादन की बात करना चाहूंगा मैं, क्योंकि इसमें अगर आपकी पौधा ठीक है जी जी, तो एकड़ में आप 100 से 120 क्विंटल की पैदावार ले सकते हैं। अगर गिरे हालत में है आपके पौधे, पेड़ पौधे की स्थिति बता रहा हूँ मैं, 60 से 70 क्विंटल पर एकड़ अगर देखा जाए, रोग ग्रस्त है आपकी करेला तो 60 से 70 क्विंटल बिल्कुल निकाल सकेंगे। और अगर टॉप के है आपके पौधा तो बिल्कुल 100 से 120-130 ऐसे भगेगा जी उत्पादन। और उसमें क्या, अगर रेट पा गए तो अच्छा है कमाई जी। अभी तो वही चल रहा है, रेट के ऊपर निर्भर है बाकी, पर वो क्विंटल तो वही है 100 से 120 जी 130 ऐसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई, आपने काफी बेहतरीन जानकारी दी है, उम्मीद है सभी किसान साथियों को यह जानकारी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर और पर भी क्लिक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।